हेलो एवरीवन, मैं विंद्रा सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ प्राज्ञा डिजिटल क्लासेस में। देखिए, आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा नाउन। नाउन आपने कई बार सुना है, इसे हिंदी में कहते हैं संज्ञा। और जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, देखिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर से एडवांस लेवल तक जाएंगे। और हमारा जो टारगेट है वो पटवार स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें हमारा टॉपिक शुरू करते हैं आज का नाउन। हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, नाउन, इसे हिंदी में संज्ञा भी कहा जाता है। क्लियर है ये नाउन? सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डेफिनेशन की, कि नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नाउन? तो देखिए, हम लोगों ने अभी तक जो नाउन का डेफिनेशन पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग, नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, देखिए बेसिक से पढ़ रहे हैं, हमें रटना कुछ नहीं है। मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बता रही हूँ नाउन का डेफिनेशन। आप आज से ध्यान रखिए, नाउन कुछ नहीं केवल नाम है। नाउन कुछ नहीं केवल क्या है? नाम है। अब नाम इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इसे नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। और हिंदी की बात करें तो क्या है ये? नाम है। अब नाम तो किसी का भी हो सकता है, तो हमें इसमें रटने की जरूरत नहीं है कि वो पर्सन है, वो प्लेस है, या वो कोई थिंग है। ये हमें रटने की जरूरत नहीं है। आप केवल इतना सा ध्यान रखें, नाउन नाम है। अब बात करते हैं कि इस नाम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों हमें नाउन ज़रूरत पड़ा। तो देखिए, इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें बनी गई हैं ना, उन सभी चीज़ों को पहचानने के लिए कोई ना कोई नाम दिया गया। अगर वो नाम नहीं दिया गया होता तो हम नाउन को कैसे पहचानते? तो नाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी? चीजों को, लोगों को पहचानने के लिए। क्लियर पहला पॉइंट? तो फर्स्ट डेफिनेशन नाउन क्या है? नाम है। सेकंड इसकी डेफिनेशन समझते हैं। वो सारी चीजें जिन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं। अब क्या क्या आपको नजर आ रहा है? बोर्ड नजर आ रहा है, मेरे हाथ में मार्कर है ये नजर आ रहा है, मेरा चश्मा नजर आ रहा है, माइक नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है? नाउन है। तो वो सारी चीजें जिन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं, खुली आंखों से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, वो भी क्या होता है? नाउन होता है। सेकंड, वो सारी चीजें जिन्हें हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो भी क्या होती है? नाउन। तो नाउन को पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया। हिंदी में अगर आपको पहचानना है, इंग्लिश में नहीं पहचान पा रहे, तो बहुत इजी सा तरीका है, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान, इट मीन्स किसी भी चीज़ का नाम, दैट इज़ नाउन। वो सारी चीज़ें जो हमें खुली आंखों से दिख रही है वो नाउन है। ऐसी चीज़ें जिसे हम महसूस करते हैं वो नाउन है। तो देखिए, खुली आंखों से दिखने में हम क्या क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं? हमने लिखा खुली आंखों से हमें मार्कर नजर आ रहा है, टेबल नजर आता है, वॉल नजर आती है। तो ये सारी चीजें क्या है? नाउन। महसूस करने में हमें लव महसूस होता है, हमें हेट भी महसूस होता है, हमें ऑनेस्टी महसूस होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी फीलिंग्स हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं, देख नहीं सकते। नाम में, नेमिंग वर्ड में संजय, अजय, अरुण, कविता, बहुत सारे नाम हो गए। तो ये है सिंपल सी नाउन की डेफिनेशन। एक बार इसे दोबारा देख लेते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, केवल नाम है।
खुली आंखों से जिन्हें देख सकते हैं वो भी नाउन होता है, जिसे महसूस कर सकते हैं वो भी नाउन होता है। अब बात करते हैं अगर हमारे सामने कोई वर्ड आ जाए डायरेक्टली इंग्लिश का तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। तो यहां पर मैं आपको कुछ की वर्ड्स लिखवा रही हूं। क्या हम लिख रहे हैं? की वर्ड्स ऑफ नाउन। नाउन को पहचानने के कुछ ऐसे सफिक्सेस हम लोग लिख रहे हैं जिन्हें देखते ही आप नाउन को पहचान जाओगे। तो फर्स्ट जो सफिक्स है हमारा दैट इज मेंट, एम ई एन टी, मेंट। मेंट किसी भी वर्ड के लास्ट में आ जाए वो वर्ड हमारा नाउन होगा, जैसे गवर्नमेंट, एग्रीमेंट। दोनों में क्या आ रहा है देखिए, मेंट आ रहा है, तो मेंट वाले वर्ड क्या हो गए? नाउन हो गए। दूसरा वर्ड देखिए, शन, टी आई ओ एन, शन, या फिर एक्स आई ओ एन, शन, या फिर एस आई ओ एन, शन। इनमें से कोई भी शन आ जाए, तीनों को ही शन बोला जाएगा, वेदर दैट इज टी आई ओ एन या फिर एस आई ओ एन या फिर एक्स आई ओ एन। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग इसका, प्रोनंसिएशन, कॉम्प्लेक्शन, पैशन। देखिए यहां पे भी शन आ रहा है, यहां पे भी शन आया और यहां पे भी शन आया, तो ये भी क्या है? नाउन है। और देखते हैं वर्ड, इज्म। किसी भी वर्ड के लास्ट में इज्म आ जाए, जैसे सोशलिज्म, या फिर कैपिटलिज्म, देखिए सोशलिज्म में आईएसएम, कैपिटलिज्म में आईएसएम, तो क्लियर हुआ ये, पहचानना इजी है। चलिए और वर्ड देखते हैं, टी वाई, ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में टी वाई आ जाए, जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी, तो टी वाई वाले वर्ड भी हमारे क्या हो गए? नाउन हो गए। और देखते हैं शिप, जैसे फ्रेंडशिप, मेंबरशिप, दोनों के लास्ट में क्या आ रहा है? शिप। क्या हो गए? ये नाउन हो गए। इन वर्ड्स को आप लोग याद कर लीजिएगा, की वर्ड्स से नाउन को आराम से पहचान जाओगे आप लोग। हुड, किसी भी वर्ड के लास्ट में हुड आ जाए दैट इज ऑल्सो नाउन, जैसे चाइल्डहुड, ब्रदरहुड। कितने की वर्ड्स देखे हम लोगों ने? सिक्स। और देखते हैं आगे, हुड के बाद लिखते हैं हमारा सेवन नंबर पर डम। डम वाले वर्ड भी हमारे नाउन होते हैं, जैसे फ्रीडम। किंगडम। नेस, एन ई डबल एस, नेस। नेस में क्या क्या आ गया? हैप्पीनेस, सैडनेस। तो नेस वाले वर्ड भी नाउन हो गए। और लिख लीजिए फटाफट, ई आर आ जाए, ओ आर आ जाए, डबल ई आ जाए, वो वर्ड भी नाउन होते हैं, जैसे राइटर,
ड्राइवर, ड्राइवर तो इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा, पेई, डायरेक्टर। देखिए यहाँ पे ई आर आ रहा है, डबल ई आ रहा है, ओ आर आ रहा है, सारे क्या है हमारे नाउन है। और देखते हैं वर्ड, नाउन के कीवर्ड, लजी, ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में एल ओ जी वाई आ जाए। अब देखिए मोस्टली बच्चे इसे गलत पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लोजी पढ़ते हैं, जबकि ये होता क्या है, लजी। इसे क्या पढ़ना है हमें, लजी, इट्स नॉट अ लोजी वर्ड, इट्स अ लजी वर्ड। क्लियर हुआ ये? चलिए जैसे एस्ट्रोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, क्या आ रहा लास्ट में, लजी आ रहा है, तो लजी वाले वर्ड भी हमारे क्या हो गए, नाउन हो गए। जन है यहाँ तक, तो क्या क्या कीवर्ड देखा हमने। अच्छा एक कीवर्ड और है, मुझे अभी याद आ गया, फटाफट लिखवा देती हूँ मैं आपको, ए एन सी ई या ई एन सी ई, ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में एन्स आ जाए, जैसे कॉन्फिडेंस, रिमेम्बरेंस, तो देखिए एक में क्या आ रहा है ई एन सी ई, यहां क्या आ रहा है ए एन सी ई। तो ये हमने 11 कीवर्ड लिखे हैं नाउन के, नाउन को पहचानने के लिए। पहला है मेंट, एम ई एन टी मेंट, देन शन, टी आई ओ एन, एस आई ओ एन, एक्स आई ओ एन, शन, इज्म, टी, शिप, हुड, डम, नेस, ई आर ओ आर डबल ई, लजी और एंस। डन। हिंदी में पहचाने का तरीका भी देख लिया हमने, इंग्लिश में पहचाने का भी तरीका देख लिया नाउन को। अब और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम आते हैं दोबारा इसके बेसिक पे। नाउन को हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। फर्स्ट है हमारा काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। नाउन कितने होते हैं हमारे, टू टाइप्स के नाउन हैं। टाइप्स ऑफ नाउन में टू टाइप्स ऑफ नाउन, फर्स्ट काउंटेबल नाउन, सेकेंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जबकि अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड देखिए, काउंटेबल जो नाउन है वो सिंगुलर भी होता है और वो प्लूरल भी होता है। काउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं होगा, इट इज ऑलवेज सिंगुलर। थर्ड पॉइंट, अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब और जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर हो जाएंगे, अगर नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब और प्रोनाउन दोनों प्लूरल हो जाएंगे। बट जो अनकाउंटेबल नाउन है
उसमें वर्ब और प्रनाउन दोनों ही कैसे यूज करे जाते हैं? सिंगुलर यूज करे जाते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? क्या देखा हमने? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, फर्स्ट काउंटेबल नाउन, सेकेंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन केवल सिंगुलर होंगे। काउंटेबल नाउन के साथ वर्ब और प्रनाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकती है, बट अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब और प्रनाउन केवल सिंगुलर ही आते हैं। डन। चलिए अब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो है वो थ्री टाइप्स के हैं हमारे। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल नाउन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम? तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन एंड थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? तो चलिए प्रॉपर नाउन को अलग से हम डिस्कस करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर नाउन और डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले प्रॉपर नाउन की क्या डेफिनेशन होगी? इट डिनोट्स द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या लिखे हमने डेफिनेशन? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर थिंग। अब बात करते हैं, देखिए डेफिनेशन तो हमने देख लिया, अब ये है क्या उसको भी समझते हैं। यहां क्या लिखा हो? वर्ड पर्टिकुलर, व्यक्ति विशेष। प्रॉपर नाउन की हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करेंगे, पर्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे या पर्टिकुलर थिंग की बात करेंगे या पर्टिकुलर प्लेस की बात करेंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। जैसे या हम लिखते हैं पर्सन, यहां लिखते हैं प्लेस और यहां लिखते हैं थिंग। जैसे मैंने कहा सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान माना जाता है। मैं किसकी बात कर रही हूं? सचिन तेंदुलकर की। पर्टिकुलर मैंने नाम ले लिया सचिन तेंदुलकर, तो जो सचिन तेंदुलकर मैंने नाम लिया ये कौन सा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन सचिन। अच्छा मैंने कहा आपसे कि आजकल जो एक्टर्स हैं हीरोज हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे, तो हम किस हीरो की बात कर रहे हैं? क्या मैंने किसी पर्टिकुलर हीरो का नाम लिया है? नहीं।
मैंने पार्टिकुलर हीरो का नाम नहीं लिया, तो कोई भी हीरो हो सकता है। लेकिन मैं कहती कि आजकल कोई हीरो का नाम मुझे बता दीजिए, मुझे हीरो के एग्जैक्टली नाम पता नहीं है इतने। हम बात करते हैं अर्जुन कपूर की, कि जो अर्जुन कपूर है वो अच्छा काम नहीं कर रहा। तो मैं किस हीरो की बात कर रही हूँ, किस एक्टर की बात कर रही हूँ? अर्जुन कपूर, पार्टिकुलर आई एम टॉकिंग हियर अर्जुन कपूर, बाकी किसी हीरो की बात नहीं कर रही हूँ। तो अर्जुन कपूर क्या हो गया, अर्जुन वर्ड जो है अर्जुन कपूर लिख लो या अर्जुन लिख लो, क्या है ये, पर्टिकुलर हो गया। मैंने कहा आपसे आजकल स्टूडेंट्स ध्यान नहीं दे रहे पढ़ाई में, तो किस स्टूडेंट को मैं कह रही हूँ, सभी को बोल रही हूँ। लेकिन अगर मैं कहती किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम लेती कि अनिल तुम ध्यान नहीं दे रहे आजकल पढ़ाई में, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, केवल अनिल की बात कर रही हूँ। तो अनिल कौन सा नाउन हुआ, पर्टिकुलर नाउन हुआ, पर्टिकुलर नाउन हुआ, किसकी बात कर रहा है, प्रॉपर पर्सन की बात कर रहा है, क्लियर हुआ? तो सचिन, अर्जुन, अनिल, कविता, सुनीता, अनीता, ये सारे हमारे प्रॉपर नाउन होंगे। प्रॉपर का मतलब है कि उस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। जब मैंने आपसे सचिन तेंदुलकर कहा, तो सचिन नाम के तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बट जो सचिन तेंदुलकर है वैसा दूसरा इस वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? अब बात करते हैं प्लेस की। मैंने कहा मैं सिटी में रहती हूँ, तो क्या आपको कुछ क्लियर हुआ मैं कौन सी सिटी में रहती हूँ? नहीं। आपने मुझसे पूछा मैम आप पार्टिकुलर कौन सी सिटी में रहते हैं, नाम बताइए आपकी सिटी का। तो मैंने कहा भाई मैं जयपुर सिटी में रहती हूँ। तो जयपुर वर्ड जैसे ही मैंने बोला तो आपको पार्टिकुलर क्लियर हो गया कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, जयपुर की। तो जयपुर कौन सा प्रोनाउन हुआ, सॉरी कौन सा नाउन हुआ हमारा, प्रॉपर नाउन। मैंने कहा ये जो बीमारी है ये देश में बहुत फैल रही है, कोरोना जो है वो देश में तेजी से फैल रहा है। भाई किस देश में फैल रहा है, किस देश की बात कर रहे हैं हम लोग? हम बात कर रहे हैं इंडिया की, प्रॉपर इंडिया का नाम लिया मैंने। तो जब भी हम प्रॉपर प्लेस की बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जब मैंने कहा जयपुर तो आपको जयपुर ही दिखेगा, जब हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया ही दिखेगा आपको। चलिए अगला हम बात करते हैं थिंग की। हमने कहा आजकल मोबाइल बहुत चल रहे हैं, कौन सा मोबाइल, क्या मैंने पार्टिकुलर किसी मोबाइल का नाम लिया है यहाँ पर? नहीं ना। जबकि प्रॉपर नाउन क्या होता है, पार्टिकुलर नेम ऑफ थिंग। तो पार्टिकुलर में मैंने बोला सैमसंग, क्योंकि जब से चाइनीज प्रोडक्ट हम को बैन कर रहे हैं तब से सैमसंग थोड़ा वैल्यू उसकी बढ़ गई है, तो हमने कहा सैमसंग खूब चल रहा है आजकल, तो पार्टिकुलर हमने नाम ले लिया सैमसंग का। मैंने अगला कहा भाई अगर आप साबुन से नहाते हो तो आपका जो कलर है, जो रंग है वो निखरता है। तो आप मुझसे पूछोगे मैम मैम कौन सा साबुन, पर्टिकुलर साबुन का नाम बताइए ताकि हम वही साबुन से नहाएं। तो कौन सा साबुन बताया मैंने, लक्स। मैं सभी साबुन की बात नहीं करी, सभी सोप्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ, केवल लक्स की, पर्टिकुलर लक्स की बात कर रही हूँ। लक्स से नहाओगे तभी आपका जो रूप है वो निखरेगा, किसी और से रहोगे तो नहीं निखरेगा। तो यहां मैं पार्टिकुलर किसकी बात कर रही हूँ, लक्स की बात कर रही हूँ। बात समझ में आ रही है? पार्टिकुलर थिंग, इसमें और भी हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सोनाटा, मारुति, दिल्ली, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे प्रॉपर नाउन के। क्या प्रॉपर नाउन क्लियर हुआ आपको, व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर प्लेस, पार्टिकुलर थिंग। डन। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट नाउन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन? डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, कॉमन
कॉमन नाउन किसे कहते हैं आप भी बता सकते हैं। इट डिनोट्स कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन एंड कॉमन थिंग। ऐसा नाउन जो कॉमन पर्सन को बताए, कॉमन प्लेस को बताए, कॉमन थिंग को बताए, दैट इज कॉमन नाउन। अब एक सिंपल सी भाषा में हम समझते हैं, ऐसा शब्द जो सभी के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कैसे, इसको भी समझिए। हम यहां लिखते हैं पर्सन, या हम लिखते हैं प्लेस, या हम लिखते हैं थिंग। क्या लिखा हमने, पर्सन प्लेस थिंग। मैंने एक नाउन बोला टीचर, तो जो टीचर वर्ड है ये हम सभी के लिए यूज कर सकते हैं। सभी के लिए इट मीन्स जो पढ़ाता है, जो इंग्लिश पढ़ाता है उसे भी आपने टीचर बोला, जो मैथ्स पढ़ाता है उसे भी टीचर बोला, जो फिजिक्स पढ़ाता है उसे भी हमने टीचर बोला, जो साइकोलॉजी पढ़ाता है उसे भी टीचर बोला, हिस्ट्री पढ़ाने वाले को भी हमने क्या बोला, टीचर बोला। सो टीचर इज अ कॉमन नाउन। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन, जो सभी के लिए यूज हो रहा है। तो टीचर कैसा नाउन हुआ, कॉमन नाउन। अगली बात, अगला हम बात करते हैं किसकी, हमने कहा स्टूडेंट। तो आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी स्टूडेंट है, आपका दोस्त भी तैयारी कर रहा है वो भी स्टूडेंट है, आपकी सिस्टर भी तैयारी कर रही है वो भी स्टूडेंट है। तो जो स्टूडेंट वर्ड है वो सभी के लिए कॉमन हो गया, आपके लिए भी यूज कर सकती हूँ, आपके सिस्टर के लिए भी यूज कर सकते हो, आपके फ्रेंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट भी कैसा हो गया हमारा, कॉमन नाउन हो गया। हमने कहा एक्टर क्या है, वर्ड एक्टर, एक्टर वर्ड मैं शाहरुख के लिए भी यूज कर सकती हूँ, सलमान के लिए भी यूज कर सकती हूँ, शाहिद कपूर के लिए भी यूज कर सकती हूँ, अक्षय कुमार के लिए भी यूज कर सकती हूँ, अमिताभ बच्चन के लिए भी यूज कर सकती हूँ। तो एक्टर क्या वर्ड हुआ, कॉमन हुआ, जो हम सभी के लिए यूज कर सकते हैं, एक्टर वर्ड। क्लियर है ये। अच्छा, हमने कहा पॉलिटिशियन, वर्ड क्या कह रही हूं मैं, पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिशियन क्या ये प्रॉपर है, क्या मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन की बात कर रही हूं, बिल्कुल नहीं। पॉलिटिशियन में कोई भी पॉलिटिशियन आ सकता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो कोई भी हो। तो पॉलिटिशियन जो वर्ड है दैट इज ऑल्सो कॉमन नाउन। सो आई थिंक कॉमन नाउन आपको कुछ परसेंट तक क्लियर हो गया। ऐसा नाउन जो हम सभी के लिए यूज करते हैं, ऐसा शब्द जो हम सभी के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। प्लेस में देख लेते हैं, जयपुर क्या है, सिटी, तो जयपुर के लिए भी मैंने सिटी बोला। दिल्ली क्या है, सिटी, दिल्ली के लिए भी सिटी वर्ड यूज हो रहा है। मुंबई, मुंबई के लिए भी क्या वर्ड यूज हुआ, सिटी, तो सिटी वर्ड क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया। ये मैं जयपुर के लिए भी यूज कर सकती हूँ, दिल्ली के लिए भी यूज कर सकती हूँ, मुंबई के लिए भी यूज कर सकती हूँ। अगला वर्ड मैंने बोला कंट्री, तो कंट्री वर्ड भी क्या हो गया हमारा, कॉमन। इंडिया के लिए हम कंट्री यूज कर सकते हैं ना, इंडिया कंट्री है हमारी। हम नेपाल के लिए भी कर सकते हैं, इट मीन्स करते हैं, कर सकते, कॉमन नाउन को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, पाकिस्तान है उसके लिए भी हम कंट्री वर्ड यूज करते हैं। तो कंट्री क्या है,
एक कॉमन वर्ड है, एक कॉमन नाउन है जो हम सभी देशों के लिए यूज करते हैं। ऐसे हमने कहा विलेज, तो विलेज भी कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन हुआ। मेरा जो गांव है वो भी विलेज, आपका जो गांव है वो भी विलेज कहलाया, आपके फ्रेंड के गांव को भी आपने क्या बोला? विलेज बोला। तो कॉमन वर्ड हो गया ना, सभी के लिए यूज हो रहा है, तो विलेज भी कॉमन हो गया हमारा। अब थिंग में आते हैं, देखिए मेरे हाथ में जो वॉच है इसे भी मैं वॉच बोलूंगी, आपके हाथ में वॉच होगी तो आप उसे भी वॉच बोलेंगे, तो वॉच क्या है? कॉमन हो गया। मेरे घर पे जो चेयर है दैट इज ऑल्सो चेयर, आपके घर पे जो है उसको भी आपने चेयर बोला, चेयर सारी चेयर को चेयर ही बोलेंगे, कोई स्पेसिफाई हम कर नहीं रहे, तो चेयर भी कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। हमने कहा मोबाइल, कौन सा मोबाइल? मोबाइल मैं सैमसंग के लिए भी यूज कर सकती हूँ, मैं वीवो के लिए भी यूज कर सकती हूँ, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, मोबाइल वर्ड जो है दैट इज ऑल्सो कॉमन। हमने कहा कार, तो कार कौन सी कार? क्या किसी स्पेसिफिक कार की बात कर रही हूं? मैं कहती जैगवार, तो जैगवार जो है मैंने पर्टिकुलर जैगवार की बात करी, तो वो आपका हो जाता प्रॉपर नाउन, बट मैंने जैगवार नहीं बोला, मैं केवल कार बोल रही हूं। आजकल लोग बाग बहुत कार खरीद रहे हैं, तो कार कौन सी खरीद रहे हैं? कोई भी कार हो सकती है, वो मारुति भी हो सकती है, मारुति 100 भी हो सकती है, डिजायर भी हो सकती है, स्विफ्ट डिजायर भी हो सकती है, ऑडी भी हो सकती है, जैगवार भी हो सकती है, कोई भी कार हो सकती है, तो कार क्या हुआ हमारा? कॉमन नाउन। क्या कॉमन नाउन क्लियर हुआ आपके? हम अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, हमने टॉपिक शुरू नहीं किया है, बेसिक क्लियर कर रहे हैं पहले। क्लियर हुआ ये? कॉमन नाउन किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जो सभी के लिए यूज किया जाता है, पर्सन प्लेस थिंग में एग्जाम्पल। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, क्या होता है कलेक्टिव नाउन? व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन को हम समूहवाचक नाउन भी कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा हम इसे कहते हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन का क्या है डेफिनेशन? इट डिनोट्स द कलेक्शन ऑफ थिंग्स पर्सन या फिर अदर क्रिएचर्स। क्या है ये? देखिए कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? इट डिनोट्स कलेक्शन ऑफ थिंग्स, जो चीजों का कलेक्शन है उसे कहा जाता है, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हम कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को शो करता है, ग्रुप ऑफ पीपल को शो करता है, या फिर अदर क्रिएचर्स का जो ग्रुप है उसे कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। इसे हम बहुत सिंपली तरीके से समझेंगे, आप एक पॉइंट लिख लीजिए सिंपल सा याद करने के लिए कि कॉमन नाउन के ग्रुप को ही कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। बहुत इजीली मैं आपको समझा रही हूं, क्या समझ में आ रहा है इसमें? देखिए एक बार, कॉमन नाउन क्या है, सॉरी कलेक्टिव नाउन क्या है? कॉमन नाउन
के ग्रुप को हमने क्या कहा? कलेक्टिव नाउन कहा। इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहां एक नाम मैं लिख रही हूं, रवि। कौन सा नाउन है रवि? कौन सा नाउन है ये? ये प्रॉपर नाउन है। रवि हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्लियर। हमने कहा रवि क्या है? स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। और मैं कहूं कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन, कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन, इट मीन्स स्टूडेंट का जो ग्रुप है उसे मैं क्या कहूंगी? क्लास। तो क्लास कौन सा नाउन कहलाया? कलेक्टिव नाउन। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ? रवि प्रॉपर नाउन है, लेकिन रवि के लिए मैंने वर्ड यूज किया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। और जब स्टूडेंट का कलेक्शन हो जाए, ग्रुप हो जाए पूरा, तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? क्लास। तो क्लास कौन सा नाउन हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। ऐसे ही अगला देखिए, हमने कहा जो रवि है ये प्लेयर है। क्या है रवि? प्लेयर। तो प्लेयर जो वर्ड है ये कौन सा नाउन? कॉमन, क्योंकि प्लेयर हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लेयर का ग्रुप हो जाए तो प्लेयर के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? प्लेयर के ग्रुप को हम कहते हैं टीम। प्लेयर के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टीम। तो टीम कौन सा नाउन हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। और देखते हैं आगे, अगला वर्ड हम लेते हैं म्यूजिशियन। क्या लिया वर्ड? देखिए म्यूजिशियन। अब म्यूजिशियन वर्ड जो है वो कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन हुआ। म्यूजिशियन वर्ड हम हर किसी म्यूजिशियन के लिए ले सकते हैं, एआर रहमान के लिए भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं उनके लिए भी हम ले सकते हैं। तो म्यूजिशियन कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। लेकिन अगर इन म्यूजिशियन का पूरा ग्रुप हो जाए, अब म्यूजिशियन में बहुत सारे लोग आते हैं, गाने वाले बजाने वाले, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बैंड। तो बैंड क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। म्यूजिशियन का जो ग्रुप है, एक जगह बहुत सारे म्यूजिशियंस इकट्ठे हो जाए, म्यूजिशियन वो होता है जो म्यूजिक प्ले करता है, जिसमें ड्रम भी हो सकता है, गिटार भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? बैंड बन जाएगा। तो बैंड कौन सा नाउन हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। अगला देखते हैं, हमने कहा ये जो रवि है ये रॉबर है। क्या है? रॉबर। रॉबर का मतलब डकैत। तो रॉबर वर्ड इट्स अ कॉमन नाउन। रॉबर हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी के लिए, इट मीन जो रॉबरी करता है। तो अगर रॉबर का जो ग्रुप हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? गैंग। रॉबर के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ऐसे ही देखिए और वर्ड देखते हैं, हमने कहा जो रवि है ये क्या बनाएं से अब? स्टूडेंट, प्लेयर, म्यूजिशियन, रॉबर, चलिए और कोई वर्ड मुझे अभी क्लिक नहीं हो रहा, तो यहां तक हम देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग कॉमन नाउन का जो ग्रुप है आप देख रहे हैं, प्लेयर हो गया, तो प्लेयर के ग्रुप को हमने टीम बोल दिया, स्टूडेंट के ग्रुप को क्लास बोल दिया, म्यूजिशियन के ग्रुप को बैंड बोल दिया, रॉबर के ग्रुप को गैंग बोल दिया।
तो ये जितने भी कॉमन नाउन हैं इनके ग्रुप को ही हम क्या कह रहे हैं, कलेक्टिव नाउन कह रहे हैं। इनके ग्रुप को ही हम क्या कह रहे हैं, कलेक्टिव नाउन कह रहे हैं। डन। इसके और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमने कहा, देखिए, ए हर्ड ऑफ कैटल, या फिर हम बोलें अ क्रू ऑफ सेलर्स, या फिर हमने कहा अ बैच ऑफ प्यूपिल्स, या फिर हमने कहा अ ट्रुप ऑफ डांसर्स, या फिर हम कहेंगे अ क्राउड ऑफ पीपल। तो ये सारे भी हमारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन क्लियर हुआ, हम कह सकते हैं इसमें और अ की ऑफ बंच, अ बंच ऑफ की, नॉट अ की ऑफ बंच, अ बंच ऑफ कीज, चाबी के गुच्छों को हमने क्या कह दिया, बंच कह दिया। लोगों का समूह है उसे क्या कह दिया, क्राउड। डांसर्स का समूह है उसे क्या कह दिया, ट्रुप। प्यूपिल्स का समूह है उसे क्या कह दिया, बैच। नाविक का समूह है उसे क्या कह दिया, क्रू। और कैटल के समूह को क्या कह दिया, हर्ड। तो ये सारे हमारे कौन से नाउन कहलाएंगे, कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। तो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्लियर हुई, क्या है इसकी डेफिनेशन, कॉमन नाउन के ग्रुप को ही क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। तो तीनों नाउन हमारे क्लियर है, प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर पर्सन की बात करेगा, प्लेस की बात करेगा, थिंग की बात करेगा, कॉमन नाउन जो सभी के लिए कॉमन है, और कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन। आगे चलते हैं, अगला हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन, और सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहला क्या है, देखिए, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, और फिर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर है ये, सॉरी द्रव्यवाचक नहीं, भाववाचक संज्ञा। ये हो गया आपका पदार्थवाचक और ये हो गया भाववाचक संज्ञा। हम बात करेंगे सबसे पहले मटेरियल नाउन क्या होता है, इसे समझेंगे। लिखिए हेडिंग, मटेरियल नाउन। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिख लीजिए। इट डिनोट्स मटेरियल। किसको डिनोट करता है, मटेरियल को डिनोट करता है। ये हो गया डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन हम रट लेते हैं लेकिन हमें समझ में फिर भी नहीं आता। हम इसे समझते हैं अब कि मटेरियल नाउन होता क्या है। जब हम किसी एक चीज को यूज कर कोई नई चीज बनाते हैं, तो जिस चीज को यूज करके हमने नई चीज बनाई वो क्या कहलाती है, मटेरियल नाउन कहलाती है। जैसे हम बात करते हैं किसकी, प्लास्टिक की। प्लास्टिक
का यूज करके हमने क्या बनाया, चेयर बनाया। ध्यान से समझिएगा, प्लास्टिक को यूज करके क्या बनाया हमने, चेयर। तो प्लास्टिक जो है ये यहां पर कौन सा नाउन हुआ, मटेरियल नाउन, और जो इससे बना ये क्या हुआ, कॉमन नाउन। ऐसे ही हमने कहा आयरन, यहां हम बात करते हैं गोल्ड की, गोल्ड से हमने बना ली चेन, गोल्ड से क्या बना ली, चेन। तो गोल्ड कौन सा नाउन हुआ हमारा, मटेरियल नाउन, और चेन कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन। हमने कहा आयरन, आयरन से हमने बना ली कार, तो आयरन कौन सा नाउन हुआ, मटेरियल नाउन, इससे क्या बनाया, कार, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। इट मीन्स ऐसी वस्तुएं जिससे हम कुछ नया बनाते हैं तो वो वस्तु क्या कहलाती है, मटेरियल नाउन कहलाती है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, प्लास्टिक, गोल्ड, आयरन, और इनसे जो चीज़ें बनती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कॉमन कहा जाता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, अब इसे और डीपली समझते हैं, डीपली समझने के लिए इसे हम डिवाइड करेंगे फोर पार्ट्स में। पहला पार्ट लिखिए आप लोग, सॉलिड, मटेरियल नाउन में सॉलिड चीजें आती हैं सारी, जैसे गोल्ड, आयरन। दूसरा हम इसमें लिखेंगे लिक्विड। तीसरा हम लिखेंगे गैस, और चौथा हम लिखेंगे एटेबल थिंग्स, खाने योग्य चीजें। कौन सी चीजें, देखिए, खाने योग्य चीजें। सॉलिड इट मींस, सॉलिड का क्या मतलब हो गया, जितनी भी सॉलिड चीजें हमारी, ठोस चीजें, तो ठोस में क्या क्या आता है, देखिए, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये सारे हो गए हमारे सॉलिड, मटेरियल नाउन में सॉलिड में जस्ता भी आ जाएगा, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। लिक्विड में क्या क्या आ गया, वाटर आ गया, टी हम बोल सकते हैं, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, कॉफी हो गया, तो ये सारे हमारे किस में आ गए, लिक्विड में। गैस में हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोई भी गैस, गैस भी हमारे मटेरियल नाउन में ही आता है। अब ईटेबल में क्या क्या लिख सकते हो, देखिए, खाने योग्य चीजें, वीट, फ्लोर, शुगर, सॉल्ट, राइस, ये सारे हमारे हो गए मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्लियर हुआ, सॉलिड सारी चीजें आ जाएंगी, लिक्विड चीजें आ जाएंगी, गैस आ जाएगा, और एटेबल थिंग्स आ जाएंगे। और हमने एक पॉइंट और लिखा था, ये सारे किसके पार्ट है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट है। तो यहां पे एक पॉइंट आप स्टार लगा के लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन है वो कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे ना, तो कैसा लिखेंगे हम, देखिए एग्जांपल एक लिखते हैं, राइज इज आएगा, आर आएगा, राइज इज आर इटन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सही है क्या, इस संडे देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइस कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ साथ मटेरियल नाउन है,
और ये कैसा होता है हमेशा सिंगुलर, तो क्या आएगा? इज आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए बेसिक चीज़ों को भी बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो मटेरियल नाउन का बेसिक हम देख चुके हैं। अब अगला हम बात करते हैं जो नाउन है हमारा, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा, नाम ही देखिए क्या इसका, भाववाचक। इट मीन्स ये किसको शो करता है? फीलिंग्स को शो करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप ऐसे लिख सकते हैं वो सारी चीजें जिन्हें हम खुली आंखों से देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा आप जाइए और ईमानदारी की फोटो खींच कर लेकर आइए, क्या आप ईमानदारी की फोटो खींच सकते हैं? बिल्कुल नहीं खींच सकते आप ईमानदारी की फोटो। क्यों? क्योंकि ईमानदारी को महसूस किया जाता है, उसे कैमरे में कैद नहीं कर सकते, कैमरे में हम कैद नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा जाइए और खूबसूरती की फोटो खींच कर लेकर आइए। किसकी फोटो खींचनी है आपको? खूबसूरती की। किसकी फोटो खींचेंगे आप? मान लीजिए आप फोटो ले आए मेरे सामने ऐश्वर्या राय की और मुझे कह रहे मैम ये लीजिए खूबसूरती की फोटो, तो वो जो फोटो है वो है ऐश्वर्या राय की। खूबसूरती की फोटो आप नहीं खींच सकते, उसमें जो खूबसूरती है वो हम केवल महसूस कर सकते हैं। मैं आपसे पूछूं मैं खूबसूरती कैसे नजर आती है, कैसे दिखती है, बता सकते कैसे दिखती है? नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हम कभी भी फोटो क्लिक नहीं कर सकते, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को खुली आंखों से देख नहीं सकते, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में, फर्स्ट वर्च्यू, सेकेंड स्टेट। पहला क्या लिखा है हमने, देखिए वर्च्यू, और दूसरा क्या लिखा है हमने, स्टेट। वर्च्यू का क्या मतलब होता है? गुण, क्वालिटीज, अच्छी बुरी दोनों। स्टेट का मतलब अवस्था। स्टेट का क्या मतलब है? अवस्था। तो जब भी इनकी बात होगी, गुण की बात होगी, अवस्था की बात होगी, तो हमें उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानना है। जैसे गुण में देखते हैं क्या क्या हो सकता है, ब्यूटी, खूबसूरती, कैसा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पॉवर्टी, कैसा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सारे हमारे कौन से हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वर्च्यू हो गए, क्योंकि ब्यूटी देखी नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती है। ऑनेस्टी, पॉवर्टी, ब्रेवरी, ये सारी चीज़ हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेट में, अवस्था में क्या आएगा? लव। लव एक स्टेट है, अवस्था है। सोरो, दुख भी क्या है? एक अवस्था है। यूथ, चाइल्डहुड। तो ये सारे हमारे क्या है? अवस्थाएं हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन दो चीजों को बताता है, वर्च्यू को भी बताता है और स्टेट को भी बताता है, गुण, अवस्था। क्लियर? चलिए
आगे चलते हैं। देखिए हमने अभी क्या किया, हमने नाउन का बेसिक पढ़ा है अभी, और बेसिक में हमने नाउन के टू टाइप्स देखे, काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल के थ्री टाइप्स देखे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल के दो देखे, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। सबको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये हमने सीख लिया। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों के सामने लिख रही हूँ, आप लोगों को उसमें आइडेंटिफाई करना है नाउन्स कि कौन कौन से नाउन उसमें दिए गए हैं। चलिए आप लिखेंगे, मैं वर्ड्स लिखते जा रही हूँ फटाफट, आप फाइंड आउट करके बताएंगे कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, जो भी है। हेट, इंडिया, मैन, लॉयल्टी, कॉपर, अमेरिका, राइस, वुमेन, बंच, पेन। दस नाउन मैंने लिखे हैं, इन दस में हमें आइडेंटिफाई करना है टाइप्स ऑफ नाउन। हमने टोटल फाइव टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो देखिए कौन कौन से नाउन हैं इसमें, सबसे पहला क्या लिखा गया है, हेट। कौन सा नाउन है हेट, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है, कौन सा है? हेट हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अवस्था को बताने वाला। इंडिया, प्रॉपर नाउन। मैन क्या हुआ, कॉमन नाउन है मैन। चलिए फिर आ रहा है लॉयल्टी, लॉयल्टी कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉपर, कौन सा नाउन हुआ कॉपर, मटेरियल नाउन। अमेरिका, कौन सा नाउन होगा अमेरिका, प्रॉपर नाउन। राइस, मटेरियल नाउन। वुमेन, कॉमन नाउन। बंच, कलेक्टिव। पेन, कॉमन नाउन। तो यहां तक हमने क्या देखा, सारे नाउन को आइडेंटिफाई करना आपने देख लिया, कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखिए एक चीज समझिएगा, हम पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और पटवारी में पहली बार इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेवल जो रखा जाएगा वो एक मीडियम रखा जाएगा, ना तो बहुत लो होगा ना बहुत ही हाई होगा। तो हमें करना केवल इतना है, जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं हमें उन्हें मजबूत करना है, और जैसे एक बार आपकी बेसिक चीज़ें मजबूत हो गई तो फिर आपको आगे टॉपिक में प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आज घर पर जाके नाउन को फाइंड आउट करना आप सीख लीजिए। पांच प्रकार के नाउन हमने पढ़े हैं, आप जब भी किसी नाउन को देखें तो आप ट्राई करें, कोशिश करें कि ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, या आप ढूंढ सकें।
अब अगला जो हमारा हमारी क्लास होगी वो कल होगी, और कल हम इस नाउन के टॉपिक को शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि एग्जाम में नाउन पे बेस्ड किस टाइप के सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आज की हमारी जो क्लास है इसे यहीं पे फिनिश करते हैं। कल मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।